तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं लास्ट डे रोल सर्वाइवल। तो गाइस, आज हमने फिर से एक और न्यू सर्वर स्टार्ट कर दिया है, उसका नाम है सिविलाइजेशन रैम्पेज। ठीक है, तो गाइस पिछले वीडियो में हमने देखा था कि भाई हमने कैसे रेड किया था, और गाइस हमको स्टील ढूंढ रहे थे पर हमको स्टील नहीं मिला था। ठीक है, 50% चांसेस था उस बेस से हमको स्टील मिल जाए पर नहीं मिला था। तो दूसरी बार हमने बेस ढूंढा तो भाई ये बिल्कुल बोर्ड बेस के मतलब बहुत करीब था। तो हमने सोचा कि भाई इसी ने ही लूटा होगा स्टील। ठीक है, बोर्ड बेस इसी ने ही लूटा होगा, तो इसलिए हमने भाई इसको टारगेट किया और भाई जल्दी से बम बनाए और जल्दी से निकल पड़े उसको रेड करने के लिए। ठीक है, तो गाइस अभी जल्दी से चलते हैं वहाँ पे और एक छोटा सा बेस बनाते हैं और उधर थोड़ा एक्स्ट्रा सामान और बैग वैग लगा के फिर रेड करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले तो यार ये नदी से निकलना ही बहुत मुश्किल हो रहा है यार, थोड़ा भी खिसक नहीं रहा यार। इससे अच्छा तो भाई बोट होता या ग्लाइडर होता ना, मज़ा आ जाता। ओके, हम पहुंचने ही वाले हैं। तो गाइज हमने एक छोटा सा बेस बना लिया है, और बेस और टावर भी बोल सकते हैं इसके। ठीक है, तो डिफेंड करने के लिए भाई मतलब रेड हो रहा है ना, तब पीछे से आधे बंदे मतलब डिफेंड करेंगे अपने बंदे को जो रेड कर रहा है उसको, और आगे थोड़े बहुत बंदे रहेंगे। ठीक है, तो देखते हैं अभी। तो गाइज हमने अभी पूरा तैयारी कर लिया है, तो अभी मेरा फ्रेंड रेड करना स्टार्ट कर दिया है। ओके, बम लगा लिए। तो हमने सोचा कि भाई डोर टू डोर जाएंगे तो आसानी रहेगी, क्योंकि ये बंकर बेस हुआ ना तो भाई हमारा भाई लॉस हो सकता है। ओके, तो इधर धमाधम रेड स्टार्ट हो रहा है। तो भाई अभी तक तो उसको मैसेज आ चुका होगा, तो भाई वो बंदा ऑनलाइन आएगा देखना गाइस, और कैसे मार खाता है वो देखना। ओके, तो भाई काफ़ी अच्छा मतलब अंदर चला गया मेरा फ्रेंड, देख सकते हो भाई डबल डबल करके रखा है ना, इसीलिए हमने डोर टू डोर चुना। अगर हम वॉल टू वॉल जाते ना भाई हमारा बहुत लॉस हो जाता, क्योंकि भाई डबल वॉल्स फिर वो रोफी आ जाता, सीलिंग आ जाता, इसीलिए भाई हमने सोचा कि भाई वॉल डोर टू डोर ही जाते हैं। ओके, हमने काफ़ी अंदर तक होल कर दिया है, देख सकते हो अभी मेन सेक्शन के पास ही है, मतलब थोड़ा करीब आ चुके हैं। तो अभी देखना गाइस वो बंदा कहाँ से आता है, और मैं उसको देख लेता हूँ ना भाई नॉक फिनिश, देखना गाइस कैसे मारता उसको। ठीक है, ओके, ओके, तो फर्नेस दिख चुके हैं, देख सकते हो भाई फर्नेस भी जल रहे, भाई क्या ही बंदा है। मतलब हमको रेड का सामान तो मिल जाएगा गाइस, 100% मिलेगा भाई, बहुत ही गंदा वाला सामान मिलेगा इससे, क्योंकि ये भी भाई बंदों को रेड कर रहा था। ठीक है, और इसने भी हमारे अरे भाई बंदे ने जैसे दरवाज़ा खोला मैं मतलब उसको देख लिया था, मतलब दरवाज़ा भाई हमारा बंदा तो खोल नहीं सकता क्योंकि भाई उसका बेस है तो वही खोलेगा ना, तो इसलिए भाई मैंने देख लिया कि भाई बंदा हो सकता है। तो भाई जैसे नीचे गया बंदा मिला मेरे को, तो उसको डायरेक्टली नॉक फिनिश कर दिया। ओके, तो गाइस देख सकते हो यार पूरा मेन सेक्शन ओपन हो चुका है, तो टीसी भी मिल चुका है गाइस, देख सकते हो। तो जल्दी से भाई टीसी के ऊपर तो बम लगा दिए। तो ओके, तो मैं जैसे ही अंदर गया टीसी के पास, और गाइस इधर बंदा स्पॉन हो चुका था। ठीक है, तो भाई पता नहीं क्या कर रहा था बैठ के, तो उसको तो मार दिया गाइस। तो टीसी के अंदर क्या मिला देखते हैं लूट। तो मैं जैसे इधर चेक कर रहा था तो भाई मेरे को क्या दिखा, भाई साहब स्टील मिल चुका है हमको। तो गाइस जल्दी से मैंने स्टील लेके भाई इधर कोने में आ चुका था, और मेरे फ्रेंड को बोला कि भाई जिसके पास सेफ बॉक्स हो ना वो इधर आए मेरे पास और ये स्टील सेफ में रख दे, नहीं तो भाई वो बंदा मेरे को मार के ले लिया ना स्टील। तो भाई सेफ में रख दिया तो गया काम से फिर। ठीक है, तो भाई प्रिमिटिव ख़त्म होने से पहले स्टील नहीं मिलेगा फिर तो, और प्रिमिटिव ख़त्म कब होता है गाइस, 12 बजे के बाद। ठीक है, रात के 12 बजे के बाद, तब तक भाई सारे बंदे भाई थक हार के भाई सो गए होंगे, तो इतना टाइम नहीं था हमारे पास, इसलिए हमने भाई धड़ाधड़ रेड कर दिया सब बेस के ऊपर। ठीक है भाई साहब, भाई पूरा बेस तोड़ दिया बंदे का, और भाई लूट दे इधर उधर बिखरा पड़ा है पूरा का पूरा। ठीक है, ओके, तो जो मेन लूट है ना वो उठा लेंगे और भाई वो टावर वाले बेस में रख देंगे, फिर बाद में आके ले जाएंगे। ठीक है, ओके, और भी बेस रेड करने का इस, तो ये पूरा मतलब वो क्या बोलते हैं उसको फर्नेस का सामान ले लेते हैं पूरा का पूरा। भाई कार्ड मिला बहुत सारा,
ये कहाँ गया कार्ड, मेरे को दिखा था। ओके तो मैंने भाई मेरे फ्रेंड को बोल दिया कि भाई इधर पूरा का पूरा लूट है भर भर के, तो उसको मैंने बोल दिया था कि भाई इधर लूट है जल्दी से ले ले, मेरा बैग फुल हो चुका है। ठीक है, तो जल्दी से हम बैग खाली करने चलते हैं हमारे बेस के ऊपर छोटे वाले। भाई ये बंदे भी क्या करते यार, पूरा का पूरा मतलब बेस खा मतलब खुला छोड़ के रखा हुआ है। ओके, तो पूरा एक पेटी भर के मेरे पास लूट था, देख सकते हो। स्पेयर भी गंदा वाला स्पेयर मिला है, देख सकते हो 6,000+ स्पेयर है हमारे पास। और गाइस फार्मिंग देख सकते हो यार, भाई खतरनाक वाला फार्मिंग मिल चुका है। और इधर क्या है, ओ भाई साहब जीपी देख सकते हो यार, हमने जितना बम वेस्ट किया ना उससे तो डबल मतलब जीपी मिल चुका है। तो यार हमारा प्रॉफिट ही प्रॉफिट है इस बेस के ऊपर से, क्योंकि भाई बंदे ने बहुत ही मेहनत किया था शुरू से। भाई ये बंदा बहुत उछल रहा था तो इसीलिए हमने इसको टारगेट किया। ठीक है, जैसे इसका बेस मिला ना भाई तुरंत ही रेड करने आ चुके, और उसको भनक तक नहीं लगी भाई हम रेड करने आए। ठीक है, तुरंत आके भाई रेड स्टार्ट कर दिया था बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, तो वहाँ पे भी रेड स्टार्ट कर रहे भाई, वहाँ पे भी किसी ने बेस बनाया था उसको भी तोड़ना पड़ेगा। और इधर कार्ड वार्ड रखे हुए तो इसको जल्दी से ले लेते पूरा का पूरा। भाई कार्ड कितना सारा है इसके पास, भाई साहब पूरा बैग भर चुका है मेरा फिर से, और भाई पूरा कार्ड भी नहीं उठा सकता यार मैं। कोई ना, फिर से खाली कर देते हमारा पूरा बैग भर के। भाई दूसरी बार मैं पूरा बैग भर के लेके आया हूँ। ओके, तो यार पासवर्ड लगाना पड़ेगा। ओके, तो अभी तो मेरे को नहीं लगता यार पूरा का पूरा बैग मतलब इस पेटी में समा जाएगा। अरे भाई पूरा का पूरा बैग भर चुका है, देख सकते हो। तो ओके, तो टीसी में तो रखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत जितना हो सके उतना खाली करना पड़ेगा बैग को। ओके, तो कार्ड देख सकते हो यार बहुत ही गंदे वाला कार्ड मिल चुका है हमको। भाई ख़त्म होने तक तो भाई कार्ड का कमी नहीं रहने वाला हमारे पास। ओके, तो मेरे ख्याल से इधर कहीं पे मतलब, अरे इधर भी नहीं है, बक्से में ढूंढ रहा था पर बक्से नहीं है। तो गाइस इसको छोड़ो, अभी खाली कर देंगे और अभी हम जाते दूसरे बेस की तरफ। तो गाइस हम दूसरा बेस भी हमने देख के रखा था, और भाई इधर आके तुरंत हमने रेड स्टार्ट कर दिया, ना हमने बेस बनाया ना कुछ। ठीक है, डायरेक्ट आके बेस मिला, बेस रेड करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो हमको भाई पता था कि बंदा नूब है, इसीलिए भाई कुछ मतलब खास लूट नहीं मिलने वाला था, इसीलिए हमने भाई इसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया था। ओके, तो फर्नेस दिख चुके हैं हमको भाई इधर शुरू से ही, हम इसने फर्नेस लगा के रखा है। भाई कितना फर्नेस लगा के रखा है पता नहीं, 2,000 रख क्या हुआ था, 2,000 है शायद अंदर सामान। तो मैंने भाई इधर जैसे देखा ना भाई, मैं समझ गया कि भैया ये ग्लीच वाला भेज है पूरा का पूरा। तो मैंने बोला कि इधर ऑयल बम लगा और इधर ही होल कर देगा। ठीक है, 10 बम में भाई पूरा चार के चार सीलिंग टूट जाएगा एक ही बार में। ठीक है, तो ओके, तो उसका मेन सेक्शन देख चुके हैं हमको, तो ये इसके पहले बैग तोड़ते। और गाइस देख सकते हैं यार, मैं टीम में नहीं था लीजन में था, पर हमारे बंदों ने मेरे हाथ का भाई मार भी खा लिया थोड़ा बहुत। ओके, तो ओके भाई ये सीलिंग भी तोड़ना पड़ेगा तब जाके हम अंदर जा पाएंगे। ठीक है, ओके, तो देखते हैं। ओके गाइस मैं अंदर पहुंच गया हूँ, और इसका टीसी भी इधर ही था पर हमको पहले क्यों नहीं दिखाई दिया यार, हम जब अंदर जा रहे थे। ओके, तो देखते, अरे यार कुछ इतना खास लूट नहीं है। ओके, ले लेते जो भी मिलता है वो। ठीक है, और टीसी फिर से लगा भी दिया है, देख सकते हो यार टीसी लगाने का मौका नहीं छोड़ते हमारे बंदे। ओके, तो इधर से भी भाई देख सकते हो यार नूब बंदे ने भाई पूरा खोल के रखा हुआ था पूरा बेस को। तो इधर देखते, अरे भाई इधर भी चेस्ट लगा के रखा हुआ है, देखते अंदर। ओके, थोड़ा भाई कचरा पड़ा है ऊपर, एक खास लूट नहीं है इस वाले बेस में, हमको कुछ खास लूट नहीं मिला। ठीक है, तो इसका और एक बेस है उधर भी हमको जाना है। ठीक है, उधर भी हम रेड करेंगे, तो वो भी पूरा मतलब इससे भी भाई घटिया, मतलब क्या बोले यार, मतलब कि वो डेमो था इसका कि क्या है जो बोलते हैं ना डेमो डेमो पीस, वो वैसे ही भाई कॉपी बेस बना के रखा था। पर सिर्फ फर्क इतना था कि भाई उसने अपग्रेड नहीं किया था पूरे बेस को। ठीक है, सेम टू सेम बेस था पर अपग्रेड नहीं किया था। ठीक है, अंदर से पूरा वुड का था, देखते हैं गाइस अंदर क्या मिलता है हमको। ठीक है,
मेरे आते आते तो भाई बेस रेड करना स्टार्ट भी कर दिया। क्या चिल मची है भाई बंदे को, देख सकते पूरे जोश में चल रहा है बंदा। ओके ओके अंदर जाना पड़ेगा गाइस, देख सकते हो। भाई डोर टू डोर जाने में भाई मतलब लॉस नहीं हो रहा, ठीक है। अगर अंदर जाए और कुछ मतलब अलग दिखा, ग्लिच भेजिए हैक भेज, तो पता लग जाएगा। भाई वॉल टू वॉल जाने में भाई अंधा बम चाहिए होता है, वो स्पैम बम होता हमारे पास, अंधाधुन बम होगा ना तब जाके भाई हम वॉल टू वॉल जाएंगे बीच में से होल करते करते, ठीक है। भाई इसमें तो कोई भरोसा नहीं है अभी, क्योंकि हमारे पास इतने ज़्यादा बम नहीं थे इसलिए, ठीक है। ओके ये डबल वॉल वाला मतलब बेस बना के रखा है इसने, तो सेम बेस है, सिर्फ वॉल तोड़ना है, फिर अंदर अंडरग्राउंड बेस निकलेगा, उसको थोड़ा बहुत स्टेज सीलिंग तोड़ना है, फिर उसका मेन सेक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी यार आधा अधूरा बम लगाते रहता है यार। ओके एक बम लगाना पड़ेगा और देखते हैं। अरे भाई कौन मार रहा है यार, आधा HP भाई आधा भी नहीं छोड़ा यार, क्या बंदे उधर रेड कर रहा है, पर इधर भाई इनको क्या मचेट से रेड करना है। ओके देख सकते हो यार सेम कॉपी बेस निकला उसका, पहले तो हमको नहीं पता था, ठीक है, कि भाई एक मतलब किसका मतलब बेस है, पर जैसे ही हमने ये तोड़ा ना हमको पता लग गया कि भाई ये किसका बेस है। भाई उसी बंदे ने मतलब दूसरा बेस बना के रखा था, जब वो वाला बेस रेड हो जाएगा ना तब ये वाला बेस में सारा लूट ट्रांसफ़र करेगा, कि उधर से स्टार्टिंग करेगा, ठीक है, जम करेगा तब। तो भाई उसका मतलब पूरा सपना हमने तबाह कर दिया भाई, दोनों के दोनों बेस हम रेड करके जाएंगे, ठीक है, पूरा का पूरा जितना भी बम लगे दूसरा नया बम बना के लाएंगे, पर उसका बेस पूरा उड़ा के जाएंगे, ठीक है। ओके भाई अंदर लैडर लगा हुआ है, मैं समझा भाई सीलिंग कहाँ से मिल गया इसको, ठीक है, प्रिमिटिव ख़त्म होने से पहले ही। ओके तो मेरे ख्याल से ये वॉल तोड़ेंगे ना इसके अंदर वाला, तो मेन सेक्शन हमको दिख जाएगा। ओके तो ये सीलिंग के नीचे हो सकता है, ठीक है, बेस मतलब मेन सेक्शन, तो इसको ही तोड़ दो यार पहले तो। ओके अरे यार ये बेजल है, पर ये सीलिंग तोड़ना है। ओके ओके गाइस हमारा ये मेन सेक्शन निकल के आ चुका है, देख सकते हो। तो मुझे पता लग गया कि भाई इधर ही मतलब उसका मतलब TC हो सकता है, ठीक है। तो ओके बम लगा दिए और देखते हैं इसके अंदर TC मतलब TC के अंदर क्या लूट में। अरे भाई टट्टी लूटे, कुछ लूट नहीं है इसके अंदर, इतना खास लूट नहीं है गाइस। ओके तो आज हमने भाई 3 बेस को रेड किया है बैक टू बैक, ठीक है भाई। उसके अंदर जो पहला वाला बेस था ना, वो सबसे बड़ा बेस, उसके अंदर से हमको भाई इतना गंदा वाला प्रॉफिट मिला है ना भाई, मज़ा आ गया था। कार्ड वार्ड बहुत मिला था हमको, तो उसमें भी भाई बहुत ही मज़ा आ गया, ठीक है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।